हेलो एंड वेलकम। अब हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड जिसका नाम है गोइंग कंसर्न। आईएसए 570 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में, किसी न किसी इशू में, किसी न किसी रिस्क में, किसी न किसी रिपोर्टिंग के क्वेश्चन में इस स्टैंडर्ड को टेस्ट कर रहा होता है। और इसकी रिक्वायरमेंट उनके इसके अंदर एक स्पेशल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी हैं। अच्छा, हमने इससे पहले क्या किया है कि हमने किया ये कि हमने 705 706 के अंदर हमने जनरल रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट समझ ली है। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं जैसे आईएसए 560, उसके अंदर भी आपने रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट देखी जिसमें कहीं वो कहता है ईओएमपी डालो, कहीं वो कहता है रिपोर्ट की डेट को चेंज कर दो, कहीं वो कहता है डबल डेटिंग कर दो। इस स्टैंडर्ड के अंदर भी कुछ स्पेशल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, इसलिए जरा इसको समझना इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो आती है। हम जरा इसको देखते हैं। आप आ जाए पेज नंबर 110 गोइंग कंसर्न आईएसए 570 हमारे स्टडी टेक्स्ट स्टडी मैनुअल का, और वहां पे आपको एक पेज के ऊपर बड़ी बेहतरीन किस्म की एक समरी नजर आती है। और उस समरी के अंदर क्या क्या है वो जरा हम देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे आईएसए के अंदर, वो जो हमारे लर्निंग आउटकम है वो क्या है, वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियल अनसर्टेनिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं इसको सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं डिफरेंट फ्रेमवर्क्स के अंदर, बट हमारे यहाँ इसको क्या जाता है, मटेरियल अनसर्टेनिटी। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या होती है, कब होती है, कब नहीं होती है, जब होती है तो क्या करना है, नहीं होती है तो क्या करना है, ये हम देखेंगे। डिस्क्लोजर ऑफ गोइंग कंसर्न बिल्कुल सही है, वो भी हम देखेंगे। और रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस ऑफ गोइंग कंसर्न इश्यूज जैसे मैंने बताया वो हम सारे डिस्कस कर रहे होंगे। सो लेट्स बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड है इसका आगाज और ये ट्रिगर तब होता है जब कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी आती है। मटेरियल अनसर्टेनिटी अगर आप इस मैनुअल के अंदर भी देखें तो यहां पे वो बताता है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल इंपैक्ट रिक्वायर्स अ डिस्क्लोजर फॉर फेयर प्रेजेंटेशन और नॉट। यानी उसके मैग्नीट्यूड और पोटेंशियल इंपैक्ट की बुनियाद के ऊपर इट रिक्वायर्स टू डिस्क्लोज। अब ये बात थोड़ी सी और एक्सप्लेन की गई है बिल्कुल ही नीचे, अगर आप देखते हैं व्हाट इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी, इंपैक्ट एंड लाइक्लीहुड इज सो सिग्निफिकेंट टू द बिजनेस दैट इट माइट इफेक्ट द फेयर प्रेजेंटेशन इफ नॉट डिस्क्लोज इन एफएस और कंप्लायंस प्रेजेंटेशन एज पर कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फेयर प्रेजेंटेशन क्या होता है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या होता है, हम आईएसए 700 में देखेंगे। लेकिन समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि ये वो इवेंट होता है कि जिसका इंपैक्ट और जिसकी लाइकलीहुड यानी जिसका इफेक्ट जो आने वाला है और जिसकी पॉसिबिलिटी उस इफेक्ट की, दोनों बड़ी हाई होती है। जब आपको याद होगा हमने जब बिजनेसेस को देखा था तो बिजनेसेस के अंदर हमने देखा था कि यार बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं कि जिसका इंपैक्ट हाई होता है और उसकी लाइकलीहुड भी हाई होती है। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसका इंपैक्ट फॉर एग्जांपल ये है और लाइकलीहुड अगर ये है, तो अगर इंपैक्ट फॉर एग्जांपल बहुत सारे इवेंट ऐसे होते हैं जिसका इंपैक्ट जो है वो लो होता है बट लाइकलीहुड हाई होती है। ठीक है, इंपैक्ट हाई लाइकलीहुड हाई फॉर एग्जांपल कुड बी एन इवेंट लाइक फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट आजकल बड़ा सोच रही है कि हम जो है वो लेट सपोज गवर्नमेंट सोच रही है कि हम इंपोर्ट्स बैन कर देंगे एक खास रॉ मटेरियल के ऊपर, और अगर वो इंपोर्ट बैन हो गई तो फिर हम हमारी जो क्वालिटी ऑफ दी फिनिश गुड्स है वो डैमेज हो सकती है, या लेट सपोज हमारे पास और इसके अलावा अगर जो नियरेस्ट है चाइना से, अगर हम चाइना से मंगवाते हैं तो हमें जाना पड़ेगा लेट सपोज अमरीका, उसकी जो कॉस्ट बढ़ जाएगी वो हमारे लिए हाई, तो इम्पैक्ट हाई है, लाइकलीहुड पॉसिबली इज हाई। फॉर एग्जाम्पल देर आर सर्टन सिचुएशन जिनका इम्पैक्ट लो होता है बट हाई लाइकलीहुड होती है। सही है, जैसे मिसाल के तौर पर छोटी मोटी चोरियां अगर हो रही हैं तो ठीक है, तो वो चोरियां हो रही हैं फॉर एग्जाम्पल कैश के टिल में से या कोई ऐसा रिस्क है इस तरह का, तो आपका इम्पैक्ट लो है बट लाइकलीहुड फॉर एग्जाम्पल हाई। ठीक है, लेट सपोज लाइकलीहुड जो है वो आपका लो है और इम्पैक्ट भी लो है, इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जैसे लाइकलीहुड आपका लो है बट इम्पैक्ट आपका हाई है। अगर आपका हाई इम्पैक्ट है तो उस हाई इम्पैक्ट यानी लाइकलीहुड फॉर एग्जाम्पल जलजला आ जाए इज अ हाई इम्पैक्ट थिंग, बट लाइकलीहुड के यहाँ पे कितना पॉसिबल है कि जलजला आ जाए। ठीक है, और जिसकी वजह से ये कितना पॉसिबल है कि आग लग जाए, हमने अच्छे खासे मेजर्स लिए हुए, हमारे ड्यू पॉइंट के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है और हमने मेजर्स लिए हुए, तो ये कितना पॉसिबल है, तो इम्पैक्ट हाई है बट लाइकलीहुड लो है। तो अब लाइकलीहुड अगर लो है और इम्पैक्ट अगर फॉर एग्जाम्पल, तो दो एरियाज में आपको देखा जाएगा इवेंट्स को, और अगर वो इवेंट जो है वो हाई लाइकलीहुड और हाई इम्पैक्ट है, अगर इस तरह का इवेंट है, और आपको याद होगा जब हम इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में पढ़ रहे थे तो एंटिटी रिस्क असेसमेंट के अंदर एंटिटी अपने बिजनेसेस को असेस करती है और एक ईआरएम रजिस्टर बनाती है, उसके अंदर ईआरएम रजिस्टर के अंदर तमाम रिस्क होते हैं और उसको क्लासिफाई किया जाता है इम्पैक्ट और लाइकलीहुड के केस में, और क्या आता है ये रिस्क है, ये रिस्क है, ये रिस्क है, रिस्क है, रिस्क है, और मुख्तलिफ सेगमेंट से रिस्क आ रहे होते हैं और उसके बारे में उसको ठीक किया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल ये रिस्क है या फॉर एग्जाम्पल ये रिस्क है और ये लाइकलीहुड नहीं, तो इस अंदाज में, और फिर इस तरह से। लेकिन जो सिग्निफिकेंट मटेरियल अनसर्टेनिटी होती है जिसके केस में आपको लग रहा होता है कि यार इसका इम्पैक्ट भी हाई है और लाइकलीहुड भी हाई है,
इट कुड बी फॉर एग्जाम्पल अ लीगल केस ऑन अ कंपनी. फॉर एग्जाम्पल यूईपी या ब्रिटिश पेट्रोलियम के केस में जो ऑयल स्पिल हुआ था दैट हैड अ वेरी हाई इम्पैक्ट एंड अ हाई लाइवलीहुड के उनके केस में फॉर एग्जाम्पल कहीं ना कहीं बैन दे हैड टू फॉर एग्जाम्पल कट ऑपरेशन इन मल्टीपल कंट्रीज. तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल तो आप लिटिगेशन के केस में दे कुड बी हाई इम्पैक्ट. फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा पेनल्टी लग सकती है लेकिन लाइवलीहुड क्या है डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल कोर्ट में केस चल रहा है ठीक है लाइवलीहुड है. फॉर एग्जाम्पल कस्टमर आपकी आपके आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हैं एंड यू आर डूइंग सर्विस एंड देर आर फॉर एग्जाम्पल केसेज ऑन रेपुटेशन ऑफ द कंपनी ठीक है. तो अब उस सिचुएशन के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये आप सोच सकते हैं. जैसे आप फेसबुक का देखें तो फेसबुक के केस में जब कैम्ब्रिज एनालिटिका जो इशू आया कि भाई आपका डाटा लीक हो चुका है तो उस सिचुएशन के अंदर फेसबुक के शेयर्स बहुत ज्यादा नीचे गिर गए थे. सो द इवेंट हैड अ हाई इम्पैक्ट एंड अ हाई लाइवलीहुड कि अब ये मजीद जो है ना फॉर एग्जाम्पल एडवर्स इम्पैक्ट आएगा. सो देर हैज टू बी एन इम्पैक्ट ऑफ देर हैज टू बी एन इफेक्ट के यार हाई इम्पैक्ट और हाई लाइवलीहुड होना चाहिए. उस इवेंट को आप बोलेंगे मटीरियल अनसर्टेनिटी. अच्छा अब अगर इस बात को हम देखते हैं कि लेट सपोज अगर एक मटीरियल अनसर्टेनिटी हो जाती है तो उसके बाद दो सूरत हाल बन सकती है. ये जो है ना वो जायचा आपके पास मौजूद भी है और मैं यहां पर बना भी रहा हूं. अगर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी हो जाती है फॉर एग्जांपल कोई ऐसा इवेंट हो जाता है दे कुड बी फॉर एग्जांपल अ डैमेज टू दी कस्टमर्स का यू हैव लॉस्ट अ मेजर कस्टमर लेट्स सपोज 50% कस्टमर रेवेन्यू आपको एक जगह से मिलता है यू हैव लॉस्ट फॉर एग्जांपल स्ट्रेटेजिक वेंडर ठीक है आपकी सारी इंपोर्ट्स वहीं से होती हैं और अगर वहां से नहीं हो तो फिर कहीं और से अगर होंगी तो आपको नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है दैट इज वेरी एक्सपेंसिव ठीक है. तो अगर मल्टीपल अनसर्टेनिटी होती है तो उस सिचुएशन के अंदर दो सूरत हाल पैदा हो सकती है. या कंपनी की गोइंग कंसर्न अजम्पशन अभी हम बात करते हैं कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन होती क्या है अप्रोप्रिएट होगी ठीक है. या कंपनी की गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है वो इनअप्रोप्रिएट होगी ठीक है. दो सूरत हाल बन सकती हैं. या कंपनी की गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है वो अप्रोप्रिएट होगी या कंपनी की गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है वो इनअप्रोप्रिएट होगी. अगर कंपनी की गोइंग कंसर्न अजम्पशन अच्छा इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये होती है कि कंपनी अगले फोरसीएबल फ्यूचर जो कि जनरली 12 महीने तसव्वुर किए जाते हैं कंपनी फोरसीएबल फ्यूचर तक ऑपरेट करती रहेगी. अच्छा इस अजम्पशन से होता क्या है इस अजम्पशन से होता यह है कि देखें जब भी कोई भी कंपनी कोई भी एंटिटी खर्च करती है कोई भी अमाउंट या रिसीव करती है कोई भी अमाउंट या रिसीव करना चाहती है कोई भी अमाउंट तो तीन तरह की ट्रांजेक्शन होती हैं. एक ट्रांजेक्शन ये होती है कि जिसका फायदा लेट सपोज अगर मैंने कोई खर्चा किया तो एक खर्चा ये होता है कि कंपनी इस साल इसको इस्तेमाल करती है जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है करंट ईयर में. एक खर्चा ये होता है कि जिसका फायदा अगले साल में मिल सकता है तो जिसको मैं करंट एसेट में डाल देता हूं. अगर मुझे 1 से लेकर 2 ईयर्स के दरमियान में उसका फायदा मिलेगा तो मैं उसको करंट एसेट बोल देता हूं. और अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल नॉन करंट एसेट वो होते हैं जिनका अगले साल के 12 महीने के बाद जो मुझे बेनिफिट मिलने वाला है उसको मैं डालता हूं नॉन करंट एसेट में 2 or more years में जो फायदा मिलने वाला है. तो अगर मुझे इसी साल में लेट सपोज मैंने एक्सपेंस किया है मैंने खर्चा किया है और उसका फायदा मुझे इस साल में मिलता है तो मैं इसको बोलता हूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और अगर लेट सपोज उसका फायदा मुझे अगले साल मिलता है तो करंट एसेट और उसका फायदा मुझे अगले साल के बाद मिलेगा तो नॉन करंट एसेट. तो ये तीन जगहों पर क्लासीफाई होता है. ये दोनों चीजें आइटम आती हैं आपके बैलेंस शीट के ऊपर ये आप जानते हैं और ये आइटम आता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर सही है. अब अगर मैं गोइंग कंसर्न मेरा नहीं है ठीक है तो जाहिर है कि जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं वो अगर मैं ये कहता हूं कि यार ये नॉन करंट एसेट का मतलब ये कि दोस्त अगले साल के बाद यानी जब मैंने रिपोर्ट किया 31 दिसंबर 2020 तो अगले साल के बाद मुझे मिलेगा